नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दे, पी चिदंबरम के लिए खबर अच्छी नहीं है। जी हां, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट से पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दे कि IRX मीडिया केस में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। ED CBI चिदंबरम को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। चिदंबरम ने हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन क्योंकि अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है तो अब ऐसी खबर है कि कभी भी पी चिदंबरम की गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। INX मीडिया को FIPB मंजूरी देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। चिदंबरम पर 305 करोड़ रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगा है। INX केस में चिदंबरम के बेटे कार्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो पी चिदंबरम के लिए राहत भरी खबर नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पी चिदंबरम की गिरफ्तारी संभव है क्योंकि ईडी और सीबीआई कभी भी पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि चिदंबरम ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाया है, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है वो राहत वाली खबर नहीं है। पी चिदंबरम के लिए उनकी गिरफ्तारी संभव है।